Hey guys, in last session we have seen the various classification of cross section. Those are plastic, compact, semi-compact and cylinder. Okay, now in this session we will see the lateral stability of beams. Okay, so in this section particularly we deal with lateral stability of beam. So we all know that a beam is subjected to bending stress under applied load. ठीक है, बीम जो है ये इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस अंडर अप्लाइड लोड. अब क्या है कि इस कोई भी एक पर्टिकुलर बीम सेक्शन में, ठीक है, जिधर मेरा लोड लग रहा है, ठीक है, डेट विल बी आवर कंप्रेशन जोन एंड दिस इज आवर एंड अपोजिट ऑफ दिस कंप्रेशन जोन वी विल हैव वन टेंशन जोन. सो इन पार्टिकुलरली बीम में दो टाइप के जोन होंगे, ठीक है, एक मेरे होंगे कंप्रेशन, एक टेंसर जोन एंड दिस इज न्यूट्रल एक्सिस अबाउट विच देर इज नो टेम्परेशन नो कंप्रेशन और टेंशन. अब अगर हम एक सेक्शन को कंसिडर करें, ठीक है, लेट सपोज दिस इज अ आई सेक्शन, ठीक है, अब इस आई सेक्शन को अगर कंसिडर करें, ठीक है, और से अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो इन दिस सेक्शन ये क्या हो जाएगा मेरा आई वाई वाई एंड दिस इज आई जेड जेड. ठीक है, तो फॉर अचीविंग द इकोनॉमी इन बीम डिजाइन, ठीक है, द सेक्शन आर सो प्रोपोर्शन डेट द मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर टू द वेब. ठीक है, डेट मीन्स आई जेड जेड. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वेब. ठीक है, इज कंसिडरेबली लार्जर देन द एक्सिस पैरेलल टू द वेब. ठीक है, तो बीम फॉर इकोनॉमिक डिजाइन हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वेब डेट इज आई जेड जेड इज कंसिडरेबली लार्जर देन द एक्सिस पैरेलल टू द वेब डेट इज आई वाई वाई. आई जेड जेड इज परपेंडिकुलर टू दिस वेब पोर्सन एंड आई वाई वाई इज पैरेलल टू दिस वेब पोर्सन. So we can say IZZ is much greater than IYY for economic design. Okay? Lekin at the same time, this type of section is relatively weak in bending resistance. So we can say such a section is weak in bending resistance. Okay.
ओके, बेंडिंग रेसिस्टेंस इन द प्लेन नॉर्मल टू द वेव, ठीक है। और ऐसा सेक्शन बेंडिंग रेसिस्टेंस में वीक होता है, ठीक है। और जब ये वीक होगा तो क्या होगा, एंड दैट टाइप ऑफ सेक्शन में बकल, ओके, एंड देयरफॉर द कंप्रेशन फ्लेंज, कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम टेंड्स टू बकल, ओके। ऐसा सेक्शन क्या है, इसका जो कंप्रेशन फ्लेंज होगा इस बीम का, वो क्या हो सकता है, बकल कर सकता है। और जैसे जैसे हम आई जेड जेड और आई वाई वाई का रेशियो हम लोग बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो मेरे बकलिंग के चांसेस हैं, ठीक है, ये भी मेरा इंक्रीज होते जाएगा। लेट्स से दिस इज अ बीम। नाउ अब जब इस पे लोड पड़ रहा पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या होना चाहेगा, बेंड होना चाहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो टॉप सरफेस है, ठीक है, जो टॉप फ्लेंज है, ये बीम क्या है, इसमें दो फ्लेंज एंड वन वेब, ये तीनों यूनिट क्या है, रिजिडली कनेक्टेड है। अब जब ये बेंड होना चाहेगा तब इस पे क्या होता है, लेटरल डिफ्लेक्शन, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब ये बेंड होना चाहेगा टॉप फ्लेंज, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो मेरा बॉटम फ्लेंज है ये स्ट्रेट रहना चाहता है, ठीक है, ये बेंड होना चाहता है और ये स्ट्रेट होना चाहता है, इस कारण से ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इस कारण से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो जिसके कारण ट्विस्ट आ जाता है, ठीक है, इस पार्टिकुलर सेक्शन में। तो ऐसा है कि उस बेंडिंग मोमेंट को, ठीक है, डेट कॉज बीम फेलियर बाय लेटरल बकलिंग, ठीक है, तो उसको हम लोग इलास्टिक क्रिटिकल मोमेंट बोलते हैं। सो वी कैन से द बेंडिंग मोमेंट, द बेंडिंग मोमेंट एट विच अ बीम फेल्स बाय लेटरल बकलिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मूमेंट इज कॉल्ड इलास्टिक क्रिटिकल मोमेंट, दैट इज MCR। यहाँ पर फिर से एक बार देखते हो क्या रहा है, कि जब इस पर लोड पड़ रहा है तो ये क्या है, टॉप फ्लेंज बेंड होना चाहता है, बॉटम फ्लेंज स्ट्रेट रहना चाहता है, जिसके कारण इस पूरे बीम सेक्शन में रोटेशन डेवलप हो जाता है और इट एट एंड इट प्रोड्यूस ट्विस्ट, ठीक है। सो वी नो द MCR, इलास्टिक क्रिटिकल मोमेंट। अब जब तक ये बीम या फिर कॉलम सेक्शन, ठीक है,
जब भी बीम इस पार्टिकुलर एमसीआर को क्रॉस ना करे तब तक वो बीम इट्स सेट टू बी इन स्टेबल कंडीशन. तो वी कैन से द बीम इज स्टेबल विथ नो टेंडेंसी टेंडेंसी ऑफ लेटरल टॉर्सनल बकलिंग अंटिल द बेंडिंग मोमेंट रीच्स अ सर्टेन क्रिटिकल मैग्नीट्यूड. एंड अनस्टेबल कंडीशन क्या है? दिस इज स्टेबल कंडीशन. ठीक है, अब अनस्टेबल कंडीशन क्या है? तो इन अनस्टेबल कंडीशन जब ये बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा क्रिटिकल मैग्नीट्यूड से तब क्या होगा? ये अनस्टेबल कंडीशन होगा. एंड इन दिस केस इट कैन अंडरगो रोटेशंस. इसमें उस बीम में रोटेशन जनरेट हो सक होना है. एंड लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ एनी मैग्नीट्यूड कॉजिंग लेटरल टॉर्सनल बकलिंग डेट लीड टू कॉलेप्स. ठीक है, इसमें क्या होगा? रोटेशन जनरेट होगा, लेटरल डिफ्लेक्शंस होगा. लेटरल डिफ्लेक्शंस में लेट्स से दिस इज अ बीम मेंबर. अब क्या है कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या होगा? यहाँ से इस दोनों के बीच गैप बन रहा है. ठीक है, ये बीम है, लोड पड़ रहा है, तो क्या होगा? लेट से बोथ आर रिजिड कनेक्शन. ठीक है, तो ये बीच में क्या होगा? कैसा हो जाएगा? ठीक है, कुछ देखे तो दिस इज द ओरिजिनल शेप एंड दिस इज द लेटरल डिफ्लेक्शन. सुनाओ, अब इस चीज को रिस्ट्रेन करने के लिए, ठीक है, वी यूज सम होल्डिंग कनेक्शंस. ठीक है, जैसे जैसे क्या क्या है? तो स्टेबिलिटी ब्रेसिंग लेटरली सपोर्टिंग द कंप्रेशन फ्लेंज एंड वी मे यूज टॉर्सनल ब्रेसिंग. ठीक है, हम लोग ये सब जो मेथड्स है, स्टेबिलिटी ब्रेसिंग, लेटरली सपोर्टिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज और टॉर्सनल ब्रेसिंग, ये यूज़ करते हैं ताकि ये जो मेरा लेटरल डिफ्लेक्शन है इसको
रिस्ट्रेन किया जा सके, इसको चेक किया जा सके। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो बीम का मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है, जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसको हम लोग फुल वैल्यू तक यूटिलाइज कर पाएंगे। तो दोस टाइप ऑफ बीम इन विच कंप्रेशन फ्लेंज इज रिस्ट्रेंड लेटरली इज कॉल्ड लेटरली रिस्ट्रेंड बीम। सो दिस इज वर्थ टू नोट दैट अ बीम इन विच द कंप्रेशन फ्लेंज इज रिस्ट्रेंड लेटरली इज कॉल्ड अ लेटरली रिस्ट्रेंड बीम। ठीक है, अब जो ये रिस्ट्रेनिंग मेथड है, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। सो दीज आर, अब दीज आर जो भी मेरे कंप्रेशन फ्लेंज हैं, इसको हम लोग कंक्रीट में इम्बेड कर देते हैं, कंक्रीट के साथ कास्ट कर देते हैं। तो ये एक मेथड है, ठीक है। और क्या है कि वी मे यूज सीयर कनेक्टर्स, ठीक है, सीयर कनेक्टर विल बी लाइक डेट, लेट से दिस इज कंक्रीट, एंड सीयर कनेक्टर विल बी लाइक दिस। हम लोग ये कनेक्शन, दिस इज सीयर कनेक्टर, इसको हम लोग बाय बोल्ट और बाय वेल्डिंग इस जगह पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग क्रॉस ब्रेसिंग कर सकते हैं, दिस इज आवर, दीज आर आवर मेन बीम्स, एंड दीज आर आवर क्रॉस बीम। वी में क्रॉस ब्रेसिंग विल बी लाइक डेट। ऐसा अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, एंड मैनी मोड्स, और भी अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट हैं। सो डेट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद सम अनदर टॉपिक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।